एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका इस स्टॉक मार्केट बिगनर्स के सीरीज में। और हमारे चैनल द मनी रोलर पर हम काफी सारे वेल रिसर्च्ड वीडियोस भी डालते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स इन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब मैं इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है व्हाई, क्यों मैं अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करूँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को दिमाग में कुछ नेगेटिव चीजें है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि उन्हें लगता है कि ये तो सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग है, या फिर कितना ज्यादा रिस्क है, अगर मेरे इसमें पैसे डूब गए तो क्या बराबर। तो इसीलिए हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की जो एज अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट या फिर अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो आपको पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंटर से। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है यहाँ पर वो है ओनरशिप इंटरेस्ट। तो ओनरशिप इंटरेस्ट को मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक एग्जाम्पल देके। कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस में पैसे लगाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में अभी एक बिजनेस आइडिया आता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो अभी कुछ सालों बाद रहने वाले हैं, जो हमारी नॉर्मल अभी गाड़ियां चल रही है रोड पे वो तो नहीं रहने वाली, इलेक्ट्रिक कार्स होने वाले, तो आप उसके बारे में सोचते हो। तो अभी आप कुछ सेकेंड्स के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर आपको वैसी इलेक्ट्रिक कार्स की कोई बिजनेस खोलनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा आपको, मैन पावर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, उसी के साथ साथ जमीन लगेगी फैक्ट्री के लिए, और ये सारी चीजें तो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे परमिशन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा के। तो कोई भी बिजनेस जाकर शुरू करना इतने बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हर एक इंसान ये चीज नहीं कर सकता। पर फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी में पैसा दिख रहा है तो आप इसमें से पैसा कैसे कमा सकते हो। तो सिंपल बात है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी इन जनरल दिख रही है तो आप वैसी टाइप की कंपनीज ढूंढ सकते हो और वहां पर जाकर पैसे लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो टाटा मोटर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे, आप जाइए टाटा मोटर्स के शेयर ले लीजिए। अभी करंट मार्केट प्राइस टाटा मोटर का कुछ 110 रुपए चल रहा है, तो आप भले उसमें एक शेयर ले लीजिए या फिर उसके 10,000 शेयर ले लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं होती कि आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। किसी किसी को ये भी एक नेगेटिव चीज रहती है दिमाग में या मिथ रहता है कि बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं तब भी आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा 110 का शेयर है, आप वो ले सकते हो। और स्टॉक मार्केट जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 1500 कंपनीज लिस्टेड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लगभग 5 से 5,500 कंपनीज अप्रोक्सीमेटली लिस्टेड है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हो और आप ओनर बन जाते हो, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं जो है कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है वो देखते हैं। कि अभी जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया टाटा मोटर्स का कि हमने उसमें 110 रुपए लगाए, तो वो जो 110 रुपए वो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के एक साल बाद कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने दो अलग अलग मॉडल्स लाई है मार्केट में कार्स की, जिसका बहुत ज्यादा सेल्स हुआ है, हर महीने उनके सेल्स नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक एडिशनल फैक्ट्री के लिए भी प्लानिंग शुरू कर दी है, तो ये सारी अच्छी और पॉजिटिव चीजें हैं कंपनी में। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में ओवरऑल लोगों के बीच उस कंपनी को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आते हैं दिमाग में कि कंपनी वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और सबको ये कंपनी खरीदने की भी इच्छा होती है। तो क्या होता है, जब परसेप्शन अच्छे बनते हैं तब डिमांड भी बढ़ती है मार्केट में, और डिमांड बढ़ती है तब मार्केट प्राइस बढ़ती है। तो जो हमारी 110 की मार्केट प्राइस थी जब हमने खरीदा था शेयर को एक साल पहले, वो आज मान लीजिए 150 हो गई है फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो 40 रुपए का बीच का आपका डिफरेंस है 150 माइनस 110,
वो आपका हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन, आपके कैपिटल ने उतना एप्रिशिएट किया है। फिर भले आपको पैसे की अगर जरूरत हो मान लीजिए, तो आप फिर वो शेयर को निकाल सकते हो 150 पे। ओके, सो बेसिकली ये हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। तो अब मैं आपको दो चार्ट दिखाती हूँ, बस ये समझने के लिए कि आपके पैसे कैसे ग्रो करते हैं स्टॉक मार्केट में। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सही कंपनीज ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी भी कंपनीज है जो शायद ग्रो नहीं करे फॉर सम रीजन। तो यहाँ पर चार्ट है मारुति सुजुकी का, आपने सबने सुना ही होगा कंपनी के बारे में। तो देख लीजिए कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। ये एक लेवल है अप्रोक्सीमेटली 433 का, वहां से कंपनी ने हाई मारा है मोर देन 9000 लेवल का, करेक्ट। तो अगर आप पेशेंटली और ठीक से कंपनी को ढूंढते हो और अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा है कि इतने आप इतना फायदा आप कर सकते हो, करेक्ट। अभी और एक यहाँ पर चार्ट है जो कि है हमारा एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स का भी चार्ट देख लीजिए यहाँ पर, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, मतलब हर कैंडल एक महीना बताती है आपको। 67 से लेकर अभी लगभग भाव क्या चल रहा है, 1700 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है डिविडेंड। अब डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिविडेंड होता है कंपनी के ही प्रॉफिट्स का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में कंपनी बांटती है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप ओनर हो कंपनी के, तो जब आप ओनर हो तो आपका हिस्सा भी है ना उसके प्रॉफिट्स पे। जो भी कंपनी करेगी, बिजनेस करेगी, उसमें से जो मुनाफा होगा उसके ऊपर आपका भी हक है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कि इतना इतना डिविडेंड हम देने वाले हैं। साल में दो बार भी होता है एट टाइम्स किसी किसी कंपनीज के लिए। तो ये जब डिक्लेयर करते हैं तो डायरेक्टली वो जो डिविडेंड का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट में से सारे वो लोग डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा वो लोग किसी और चीज के लिए भी रिजर्व्स में रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं, मे बी कोई एक्सपांशन प्लान हो या कल को कोई और दुर्घटना हो जाती है उसके लिए। ओके, और ऐसा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हर बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे, क्योंकि ये प्योरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया तो आपको डिविडेंड मिलता है। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि कुछ कंपनी जो है काफी ज्यादा और अच्छा ईयर ऑन ईयर डिविडेंड देती है, ऐसा उनका हिस्ट्री है। आप जाकर चेक कर सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर। तो जो बहुत सारे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जितना इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट में, उतना डिविडेंड के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमें इतना इतना डिविडेंड देने वाले हैं, तो इसीलिए वो लोग उसके पीछे भागते हैं। तो आज जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कोल इंडिया का। कोल इंडिया बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। एक बार टेबल आप एक बार स्कैन कर लीजिए जो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिया हुआ है। और एक बात है इसके पीछे की, सोचिए आप ही कि ये कंपनी क्यों करती होगी ऐसा, इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों दे रही है। क्योंकि एक बात है कि कंपनी में जो मेन होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रमोटर्स की ही होती है, करेक्ट। तो इसीलिए ये जो डायरेक्टली पैसा मिल रहा है, बाकी सारे शेयर होल्डर्स को तो फायदा हो ही रहा है, पर उसी के साथ साथ जो प्रमोटर्स है उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहती है, राइट। डायरेक्टली आपको कैश मिल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। सो ये हो गया हमारा डिविडेंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वोटिंग राइट। अब हर लिस्टेड कंपनी को अपने अपने शेयर होल्डर्स से उनका भी मत लेना रहता है जब वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। वो डायरेक्टली खुद से ही सारे डिसीजन नहीं लेते, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनीज एक्ट में कुछ डिसीजन स्पेसिफाई किए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके लिए उन्हें मीटिंग बुलानी पड़ती है, सारे शेयर होल्डर्स का डिसीजन सुनना पड़ता है। और जब वो उन्हें मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के तरफ से वो एक पॉजिटिव साइन आता है कि ठीक है ये लोग अग्री कर रहे हैं इस डिसीजन के लिए, तब जाकर वो डिसीजन आगे ले सकते हैं। तो भले आपके पास सिर्फ एक शेयर क्यों ना हो, आपके पास वोटिंग राइट जरूर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी से क्या मतलब है कि हम जब भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, भले वो एफडी आरडी या भले शेयर मार्केट हो, हम ये बात जरूर सोचते हैं कि कल को अगर कुछ अनहोनी हो गई, कल को कुछ घर पे मेरे प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे पैसे मेरे तुरंत मिलेंगे कि नहीं, कैश तुरंत मिलेगी या नहीं। तो स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विड है। लिक्विड का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स में डील करते हैं, बाइंग भी करते हैं सेलिंग भी करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ चीज खरीदी होगी तो आप उसे तुरंत सेल कर पाओगे। अब तुरंत मतलब देखिए मैं बताती हूँ आपको कितना तुरंत। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे T+2 days कहते हैं। T+2 मतलब टी मतलब ट्रेडिंग डे होता है, आज का दिन जब आप कोई भी सेल ऑर्डर प्लेस करते हो मार्केट में, आप किसी भी चीज को बेचते हो, और T+2 मतलब कल और परसों का दिन। ओके,
तो T+2 में आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। ये काफी ज्यादा सिंपल होता है और आपको कुछ मगजमारी भी नहीं करनी है। आपको सिंपली जो आपका ब्रोकर होगा उन्हें फोन करना है, या तो उनके वेबसाइट पे, सॉफ्टवेयर पे या ऐप पे जाना है और आपको वो सेल ऑर्डर प्लेस कर देनी है। और जिस दिन आप सेल ऑर्डर प्लेस करोगे T+2 डेज में, उसके बाद आपके पैसे अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा लिक्विड एसेट है। बाकी जहां पर कभी आप इन्वेस्ट करते हो तो कुछ पेपर वर्क की भी जरूरत पड़ती है कि भाई फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन में जाएगा और फिर यू नो ऐसा सब प्रोसेस भी रहता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है तो काफी सिंपल हो जाती है चीजें। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, इन्फ्लेशन। अब हम जब इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में तब हमें इन्हें नहीं भूलना चाहिए, इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई मार्केट में। तो मान लीजिए आपने किसी चीज में 100 रुपए आपके इन्वेस्ट किए हैं 1 साल, और 1 साल बाद आपको 105 रुपए मिले हैं। तो आपकी कमाई कितनी हुई? 5% कमाई हुई, बराबर जो 5 रुपए है, और उस साल इन्फ्लेशन था 6%। तो आपने बिल्कुल कुछ ना कमाया उसी के बराबर हो गया, क्योंकि वो जो आपने 5% कमाए थे वो तो आपके इन्फ्लेशन ने लेके गया आपके पॉकेट में से। तो इसीलिए आप जब भी इन्वेस्ट करते हो आपको ये देखना है कि आपके जो रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन से ऊपर होने चाहिए, तब भी जाकर आपको कुछ रियल रिटर्न्स मिलते हैं। अगर इन्फ्लेशन है और उतने ही रिटर्न्स मिल रहे तो आपको कोई मतलब नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो आपके इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा ही आपको रिटर्न्स देता है। ओके, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में कह रही हूँ, पर कुछ सिनेरियो में ऐसा ना भी हो, क्योंकि मार्केट में दो चीजें रहती है। एक तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर बढ़ता है उसे कहते हैं बुलिश होना मार्केट को, तो अच्छी बातें रहती है। ओके, जब सब पॉजिटिव रहता है कि एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास पैसे हैं, तो डिमांड होगी, तो सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तो ओवरऑल इकोनॉमी में सारी पॉजिटिविटी है, ओके, तब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इन्फ्लेशन को जो बीट करेंगे। बट अभी करंट सिचुएशन की बात कीजिए, जब से कोरोना वायरस के प्रॉब्लम में हम पूरा वर्ल्ड आ चुका है, उसके बाद से जब इंडिया में केसेस आने लग गए उसके बाद से हमारे स्टॉक मार्केट ने भी डेफिनेटली, स्टॉक मार्केट सबसे पहले ही रिएक्ट कर देता है इन सारी चीजों को। तो स्टॉक मार्केट साथ ही साथ काफी सारे स्टॉक्स ने भी रिएक्ट कर दिया है, गिर गए हैं उनके भाव, करेक्ट। तो अभी ये सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपको रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ऊपर मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। बट अदरवाइज जब इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी रहती है तो यूजुअली आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो इन्फ्लेशन से ऊपर ही रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, और कुछ मिथ्स थे दिमाग में जो कुछ गलत बातें थी वो हटानी थी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कुछ सजेशन होगा तो वो भी आप हमें बता सकते हो, हम जरूर उसके ऊपर ध्यान देंगे। और स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।